जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र है अल्लाह का। यार देखिए आपने। हाँ यार मैं ये बच्चा है यार, ये तो उम्र इतनी कम है, 12-13 साल, और ये तो वो जलन का केस हुआ है इसके साथ, तो उससे भी ज़्यादा। पहले मुझे लगा था जो कि शायद हाथ से बचते गुस्से में किया, लेकिन जो अभी रान के अंदर से जो बह रहा है ये पॉसिबल नहीं है यार कि अपने आप को इतना जख्मी करे। हंड्रेड्स ऑफ। अच्छा कई ऐसी वीडियोस भी हैं कि जो ताज़ी, मतलब जैसे अभी कट लगे और अभी निकल रहा हो ब्लड, ना वो हमने दिखाई नहीं है आपको। सही। कई ऐसी वीडियोस हैं इनके नाक से, इनके मुंह से, पूरी रात गुजर गई। मैंने देखी हैं वो वीडियोस, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ पॉलिसीज हैं। और सही है कि हम टीवी पे भी नहीं दिखा सकते थे, वो यहाँ भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सोचें हमारा देख कर ये हाल है तो वालदैन का क्या होगा। ये जी छोटे बेटे हैं, और ये जो होता है ना इनके साथ, हाथ इनके ऊपर कर लिए जाते हैं। अच्छा। जैसे किसी को बांध नहीं देते आप। अच्छा। 3 महीने से इनके साथ ये मसाइल हैं। 3 महीने से। 3 महीने से। हाँ उससे पहले नहीं। सही। 3 महीने पहले क्या होता है कि इस बच्चे को नजर आता है कि एक परिंदा आता है, अजीब सा परिंदा, वो के उल्टे हाथ की नस पे काटता है। इस सोते में देखा जागते में। जागते हैं। बकौल इस बच्चे। अच्छा। अजीब सा परिंदा आया। अच्छा। उसने मेरी उल्टे हाथ की नस पे काटा। सही। और मेरा खून निकलना शुरू हो गया। अच्छा। ठीक। ये घर वाले इनको ले गए डॉक्टर पे, दवाई वगैरह ये वो सब चीज़ चेकअप करवा के ले आए वापस, शायद कोई चीज़ लग गई हो। अगले दिन वही परिंदा दोबारा आता है और इनके सीधे हाथ की नस पे काट लेता है। अच्छा। वेन जो है नस आपकी। सही सही। इस पे काट लेता है, ये खून खून हो जाता है, ये फिर भागते हैं कि क्या हो रहा है। इनको लगता है कि शायद समझ नहीं आया ना, पता नहीं क्या इन्होंने नजर अंदाज। फिर जनाब इन सब के सामने इन हाथों पे पैरों पे, और ये मैं खुद देख कर आया हूँ जनरल गुजरा वाला, कई आई विटनेसेस से मिल के आया, मेरे सामने तो कट्स नहीं लगे थे, लेकिन उनमें पड़ोसी भी शामिल थे और इलाका मकीनों से मैंने, और कई केसेस हमारे पास भी आए हैं ऐसे कि खुद ब खुद ही कट्स लगते। अच्छा एक ऐसी बैठा हुआ मैं जब ये देख रहा था, तो होता है ना आप ऐसे परेशान होते हैं तो मशवरे आते हैं आपको। तो मुझे किसी ने कहा कि जैसे हम फिल्मों में नहीं देखते थे कि कोई जादू करता है, तो उसके उसका ना कोई गुड्डा या गुड्डी बनाई जाती है, और जो आप उस गुड़िया गुड्डी के साथ करेंगे ना वो उसके साथ भी होगा जिस पे आप जादू कर रहे हैं, उसको सुई चुभाएंगे, उसको चुभेंगे, उसको कट मारेंगे, इनको कट लगेंगे। ये लोगों ने बताया कि शायद सिफली भी इस तरह सिफली का ही जादू होता है, हाथ मोड़ो तो हाथ मुड़ता है। तो जी ये इनके वालिद साहब से मेरी बात हुई, परेशान काफी, अब सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सही। 3 माह पहले से एक परिंदा नजर आया था जिसने इसके दाएं हाथ की ना नस, ऊपर वाली नस जो है ना नाड़, वो काटी थी, मैं तो यही समझा कि शायद किसी परिंदे ने काटी है, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर उसने सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे पहले काटा, फिर सीधे हाथ पे काटा, और वो नस पे ही हमला किया। हम इसे हॉस्पिटल ले गए, पट्टी वगैरह कराई, इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मुसलसल ये हमले होते रहे। फिर हम एक शाह साहब है हमारी मस्जिद के सामने, उनके पास गए, उन्होंने एक आदमी के पास भेजा कि इसका हिसाब वगैरह लगा, और वहाँ पर वो चीज़ें हाजिर हो गए और उसके उससे कंट्रोल ना हुआ, और उसी उस दिन से ये सिलसिला चल रहा है। फिर कट वगैरह लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, बेहोश हो जाता है, चीज़ें हाजिर होती हैं। बहुत से हमलों ने ये काम किया, लेकिन किसी को भी इसमें पता ना हुई है। यानी कि इनको अभी तक के सही मॉलेज नहीं मिला अभी तक के।
सर 3 महीने, 3 महीने कम से कम 90 days आपका बच्चा, हल्की सी चोट लग जाए बच्चे को, याद में क्या गुजरती है। ठीक, मेरे आप आपस में कजन्स भी हैं, उनके बच्चों खराश हो जाना, वो रोना शुरू हो जाते हैं मुझसे बड़े, और इस बच्चे पर आंखों के सामने जब हाथों से पैरों से, और इसकी हालत आप देख रहे हैं, इसके एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, शदीद तकलीफ में है बच्चा, और ये क्या अंदाज है कि ये हाथ ऊपर कर दिए जाते हैं। यार ये स्कूल में सजा के तौर पे होते थे कि बच्चे के हाथ हाथ सजा दे दिए जाते थे, तो ज्यादा जो बच्चे हैं तो, लेकिन वो मेरे ख्याल से मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बहुत ज्यादा शरारती बच्चा, 10 मिनट से ज्यादा कोई बच्चा खड़ा नहीं हो सकता था हाथों पकड़ के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको देख कर लग रहा है कोई सजा दे रहा है, सजा दे रहा है इसको कोई, क्यों ऐसा क्या हुआ है, वालदैन के साथ किस के साथ बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए, पड़े भी अपने रिश्तेदार, तो यार उनको आखिर टखनों में होंगे, बेहया लोग हैं कि जिनको एहसास नहीं कि बच्चे के पीछे पड़े, उनको अंदाज़ा नहीं है ना, अभी अभी वो एक ढील में है, ढील में ना जो पता ना जो खिंचती है रस्सी, खिंचती है तो फिर यहाँ पे भुगता है ना, लोगों ने भुगत रहे भी हैं, इनके अपने रिश्तेदार हैं। अच्छा, बताया है मुझे कौन है, तो उन्होंने ना इस बच्चे का रिश्ता मांगा, इस बच्चे का इस उम्र में, सर पंजाब में या ऐसे इलाकों में ना बचपन में ही मांग लिया जाता है, जबान नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये मेरा ये तेरी होता है, मेरे साथ हमारे खानदान में भी हो जाता है, मतलब लेकिन अब तो मेरे ख्याल से खत्म होता जा रहा है, मैंने नहीं सुना यार, मतलब बहुत पहले की 20-25 साल पहले सुनते थे हम तो अपने, वो एक होता है ना आपस में प्यार होता है ना। अच्छा, और प्यार में भी कहा जाता है। अच्छा, दो भाइयों दो बहनों का, भाई बहन का बड़ा प्यार है आपस में ना, उनका बेटा आ गया उनकी बेटी हो गई, अच्छा। तो उस मोहब्बत में कह दिया जाता है कि यार नियत हमारी खुशी होगी, ये मैं लूंगी या ये मैं लूंगा, हमारा रिश्ता करेंगे बच्चों का ना आगे भी। अच्छा, जो लोग आज भी करते हैं फैमिली से बाहर नहीं करते ना। सही, अच्छा सही, वो कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने इस बच्चे का रिश्ता मांगा, इन्होंने हाँ कर दी। अच्छा ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं, खुशी है मोहब्बत है। उन लड़की वालों ने खुद ही मना कर दिया, क्यों, मंगनी के हवाले से किसी और से कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे थे, ये ठीक है, इंटेंशंस अलग हो जाती है ना, उन्होंने कहा ठीक है, सही, हाँ में भी ठीक है, रुकने में भी ठीक है, ना में भी ठीक है, सही, लेकिन इस बच्चे को उनका चेहरा नजर आता है,